भैया लग गया, अरे भैया लग गया, कट गया। क्योंकि अभी थोड़ा आपको ना सपोर्ट करना पड़ेगा। कल दिया को दिखाने में शर्म आ रही थी, देखो ये फट चुका है, इधर से ये फट चुका है, इधर ये फट चुका है। तो वो कह रही है, मैंने अभी उनसे बात की थी तो वो कह रही स्वेलिंग, मैंने कहा ये अपने आप फटने लगा, लाइट चली गई। बोल रहे हैं कि आ जाओ और इसको उतरवा लेना, वैसे 31 को उतरता तो आज 28 है। तो मैंने कहा अब जब फट ही रहा है तो फिर इसमें पानी जाएगा, फिर गीले गीले को पहन के रखूँगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं से पोलोथिन बांधने के बाद भी चले जाता है पानी। तो आज 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, फिर डॉक्टर के पास जाना आज। इस तेल के अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे। आज भी बादल है, वो देखो, ये देखो, ऊपर से रेणु की नज़र मारती रहती है, इधर से मैं मारती रहती हूँ, इतनी बदतमीज है ना। नीचे वाले पीले हो गए हैं, पर वही है, अंगूर खट्टे हैं, गायब भी हो गए जो पके पके थे। अरे बंदर खा रहे हैं शायद, हाँ क्योंकि ना खाए हुए हैं। चलो बंदर तो खा रहे हैं, कोई तो खा रहा है, बंदर खाए तो अच्छी बात, नहीं तो हम बंदर हैं। आलू का पराठा और ये है चटनी। आजकल खिलाना फिर से शुरू कर दिया, मुंह पतला लग रहा है मेरा, देखो सुबह सुबह खाती हूँ, शाम को कम खाती हूँ थोड़ा। ये चटनी गई आपके लिए, पापा ने दिल्ली के वीडियो लगवाए हैं अपने घर के कि मुझे वो देखने हैं, पोते पोते देखने हैं इनको, पोते बहू पोती देखनी है। पेपर लेना तो मैं भूल गई थी, जाती कैसे। चलो आज मेरे तेल को धूप लग जाएगी, धूप निकल आई फिलहाल। चल मेरी धन्नो, यहाँ पे छाया है, हमारी तरफ धूप थी, भगवान जी धूप छाया खेल रहे हैं। आज मार्केट भी बंद है ना, इसलिए रश कम है, बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं, जो लोकल का रश है वो भी कम है। आ गई भी, बहुत भीड़ आज। ये इस बच्ची को देख रही है, कह रही है इसके मजे हैं, जब देखो लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा वीडियो देख रही है, कह रही है इसकी सुसुपोटी मम्मी साफ करते हैं, खाना पीना भी करते हैं, फिर फैल भी जाता है बच्चा, है ना, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करनी नहीं है, हैं डस्टबिन में फेंको तब तुझे फेंक दूं। देख देख इसकी लकड़ी की काटी, यार देख कैसे स्माइल, देख 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 दिया एटीट्यूड। भैया नीचे जा रहा है, भैया कट रहा है वहां से, जा रहा है, मुझे करने तो मैं वैसे ही कर दूंगी, लेकिन मैंने नीचे वाला वैसे ही उखाड़ दिया था। भैया लग गया, अरे भैया लग गया, कट गया। चलो भाई खुल गया पैर, और डॉक्टर ने बोला है कि कैल्शियम खानी है, वो कैल्शियम की दवाई थी, मैं तो कैलमेक डी, मैंने एक्चुअली ना दवाई पढ़ी नहीं, बेवकूफ़ी वाली करी है ना हरकत, और वो कैलमेक डी मैं अलग खा रही थी, हट्टी हिमालय की हट जोड़ अलग खा रही थी, और ये अलग खा रही थी कैल्शियम की। फिर मैंने बोला मेरे पास कैलमेक डी है, तो कह रहे और 15 दिन खा लेना, मैंने कहा कैलमेक डी है, कह रहे हाँ ठीक है। मैंने डबल डबल कैल्शियम खा लिया तो वो जल्दी जुड़ गया। डॉक्टर ने बोला है स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चलो, स्पोर्ट्स शूज़ सही रहते हैं, तो मैं तो ज़्यादातर पहनती भी अब स्पोर्ट्स शूज़ ही हूँ। अब टॉयलेट करने गई थी, घर में ही लुढ़क गई, तो वो तो बात ही अलग है। पता है मेरा पैर ना अंगूठे के पास से हल्का सा कटा है, जब मैं बोल रही थी उनको, उन्होंने माना ही नहीं, क्योंकि मुझे अंदर तक दर्द हुआ भैया। कह रहे नहीं होगा नहीं होगा, अरे मैंने कहा हल्का सी कटा है, अब पता चले कि सेप्टिक का इंजेक्शन, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए। पर नहीं, खून ब्लड नहीं आया, पर ऊपर स्किन में हुआ है वो, अब मान नहीं रहे, गलत बात है, ये कट सकती है इस स्किन।
भैया स्कूल वाले दिन कितने बढ़िया होते हैं, और जब स्कूल के बच्चे होते हैं उनको बड़े गंदे लगते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि स्कूल के कोई टेंशन नहीं है, माँ बाप पे पूरा रोब झाड़ के रखो, चौड़े होके रहो हैं, और नहीं तो बड़े हो जाते हैं ना तो और ज़्यादा टेंशन होती है। ये लाइफ सबसे बढ़िया होती है, बड़े जाके बचपन में याद, आई मिस माई स्कूल डेज, जब याद करते हैं। कॉलेज के बाद तो नौकरी की तैयारी होती है ना, इसलिए अच्छे इतना टेंशन रहती है, स्कूल वाली में जो मस्ती होती है ना वो कहीं नहीं होती। मैंने डॉक्टर की आज्ञा का पूरा पालन किया हुआ है, देखो शूज़ पहने हुए घर में और गाउन के ऊपर शूज़ पहन के घूम रही हूँ, मैं पूरी आज्ञा मानती हूँ। जैसे जैसे वो बोलते हैं, उन्होंने बोला स्पोर्ट्स शूज़ पहन के रहो ज़्यादा टाइम, तो अभी उठी हूँ घर में, पहले पट्टी भी बांधी हुई है इसके ऊपर, साइड से वैसे पट्टी बांध रखी है कि जितना बोला है उतना करो कम से कम, कि आप शूज़ पहन के घूमो घर, मतलब जब भी घूमो तो। अब ज़्यादा काम है, इधर उधर घूमना पड़ रहा है, तो मैंने कहा शूज़ ही पहन लेती हूँ। देखिए मेरे को ना, मैं भी चैनल पे ज्ञान, यूट्यूब चैनल पे ज्ञानगंज के बारे में वीडियो देखने लगी थी, तो उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं थी कि मतलब जो देव होते हैं, देवता होते हैं, जैसे हम में तो पंच तत्व हैं, उनमें तीन तत्व हैं, तो मैंने बाबा जी से डिस्कस किया, वानप्रस्थ वाले बाबा जी से, मतलब बुधिया जी से, तो कुछ पर्सनल बात है तो हो सकता है उनका कुछ अनुभव हो। तो फिर उन्होंने ये वाली बुक मुझे सजेस्ट की थी, ये वाली बुक सजेस्ट की कि ज्ञानगंज गोपीनाथ कविराज की है, ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और ये ऑथेंटिक है। फिर जिस दिन मैंने जिक्र किया था उसी दिन यूएसए से किसी ने मेरे पास वो ज्ञानगंज वाला वीडियो भेज दिया, तो वीडियो भेजा उसके, फिर मैंने उनको बोला कि मैंने उनको भी वही बुक सजेस्ट की, तो पता क्या उल्टी सीधी खबरें, मतलब उल्टी सीधी क्लिप्स जो है ना वो जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के वो बताई जाती हैं कई बार वीडियो में ना, तो उस वजह से क्या होता है कि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये ज्ञानगंज की बुक है, बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगी आज ही, आइए, ये मैंने रेनू से बोला था कि वो ऑर्डर कर दे, उसने पढ़ी हुई थी, गोपीनाथ कविराज की है ये, और दिया भी बोल रही है मैं पढ़ूंगी, जो कोई पढ़ने में इंटरेस्ट हो आइए। पूरी एक महीने में जब मैं बोल रही थी ना कि सब आ गया, जो मैंने इससे काम कहा था वो नहीं हुआ, तो आज फाइनली कह रही, अब मुझे आराम, मुझे लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 1 month हो गया इसको, कि एक महीना नहीं 20-25 दिन हो गए हैं, अब आइए 20-25 दिन में जाके। मैं ना ऊपर से देख रही थी ये बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन, मैंने बोला दिया तो खेल नहीं रही, और दिया ना तभी शायद आउट, मतलब खेल के चुकी होगी, पसीने में तर बतर, और दिया ने मुझे ऐसे घूरा, देख रही हो मुझे पसीने आ रहे कितने। एक भैया कह रहे हैं कि प्लास्टर उतर गया, एक्चुअली ना मैं बीच में प्लास्टर बोल देती हूँ, मुझे पता है प्लास्टर दूसरा होता है प्लास्टर, अब पता है घर में हम देसी लोग हैं तो प्लास्टर को प्लास्टर ही बोल देते हैं, गलत है। तो समझ जाया करो, ठीक है ना। और मेरे पापा देखो वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आज निकले हैं बड़ी मुश्किल से। उन भैया ने बोला कि बर्ड आज़ाद हो गई, मतलब मैंने कहा अभी चिड़िया कैद में है, मैं इतना ज़्यादा घूमूंगी नहीं, और इसको बल्कि अब ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टर हट गया है ना, तो अब ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और डॉक्टर ने बोला है कि 10 दिन तक और दवाइयाँ खाओ, मतलब कैल्शियम, कैलमैक डी तो मैं खा ही रही हूँ, और अब सीढ़ियों पर उतरते वक्त चढ़ते वक्त और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और उस टाइम कोई बातचीत नहीं करनी पड़ेगी, सीढ़ियाँ हो या फिर कहीं बैठने का हो, क्योंकि मैंने अभी भी ना पट्टी बांध रखी है, देखो मैं इसको प्रोटेक्शन के लिए ये पट्टी बांध ही ली मैंने, मैंने कहा ताकि वो फिंगर जो है ना कहीं अलझे बलझे ना किसी चीज़ में। आज घाट से नीचे पानी उतरा हुआ है, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं, मुझे अभी जिनसे दिया ने एक सुदर्शन क्रिया की थी ना, भाई साहब मिले थे, तो वो कह रहे हैं कि अब साक्षी जी घर पर रह रहे हो तो हॉट और कोल्ड थेरेपी भी कर लो, आगे फ़ायदा करेगी, तो मैंने कहा ठीक है रात को मैं यही करूँगी, अभी दोनों पैरों की मतलब एक बार गर्म में एक बार ठंडे में से करने में क्या जाता है, कोई बुराई नहीं है अगर लॉन्ग टर्म तक उसको हील करना है तो। और मैं तो खुद स्पोर्ट्स सारा उसमें रहे हैं, तो हमें पता है इन चीज़ों का बेनिफिट होता है। बहुत देर हो गए थे बैठे 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 यहाँ पे, मैं ना ज़्यादा आगे जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा आपको ना सपोर्ट करना पड़ेगा कि आप यहीं से देख लीजिए, बीच बीच में तो मैं आपको मतलब
कराए रही हूँ, बीच में कभी कहीं जा रही हूँ कभी कहीं जा रही हूँ, लेकिन मुझे पैर का ना ध्यान बहुत जरूरी रखना है। अब काफ़ी देर हो गई थी बैठे हुए, तो इसका सपोर्ट इस टाइम बहुत ज़रूरी है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और अगर अभी ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी और चलना भी कम करना पड़ेगा। पेड़ जरूर लगाएं, हरा रखें, हरा रखें।